नमस्ते, मैं धर्मेंद्र। आज निशान का टिरानो है, इसका बेल्ट खुल गया था। बेल्ट फिल होने का प्रोसेस दिखाएंगे आप लोग को। देखिए वीडियो, डीजल गाड़ी है। उतर गया था, बेल्ट लूज हो गया था बोल के, तो हम लोग बेल्ट लेके आए हैं। इसको फिटिंग करेंगे और फिटिंग करके आप लोग को दिखाएंगे इसमें कितना नंबर का बेल्ट लगता है और क्या फिटिंग है आप लोग को दिखा रहा है। 6PK 1199 का बेल्ट है जो आप देख पा रहे हैं। इसको हम लोग फिटिंग करेंगे और क्या प्रोसेस है, किस तरह फिटिंग होगा आप लोग को दिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग ऊपर से बेल्ट को डालेंगे और डाल के सबसे पहले हम लोग अल्टरनेटर में लगाएंगे, बेल्ट को बैठाएंगे और उसके बाद एसी में, और एसी होते हुए मेन शेप में जाएगा, क्रैंक शेप जिसको हम लोग बोलते हैं, और उसके बाद एडजस्टिंग में लगा के उसके बाद हम लोग उसमें बैठा देंगे। जो आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ये इसी तरह बेल्ट बैठेगा, मतलब इजी प्रोसेस है, आप आराम से इसको बैठा सकते हैं कभी अगर खुल जाए। ये बेल्ट हम लोग देखिए बैठा रहे हैं, नीचे एडजस्टिंग बैरिंग रहता है, उसको 14 नंबर रिंच से उसको हम लोग ऊपर की तरह खींचेंगे और खींच के आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए खींच के ऊपर, उसके बाद हम लोग बेल्ट को आराम से नीचे करके बैठा देंगे। बस सिंपल सा लॉजिक है, आराम से इसको बैठा सकते हैं और बैठाने के बाद इसको छोड़ दीजिएगा, अपने आप वो एडजस्ट हो जाता है, इसको टाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। ये देखिए बैठ गया पूरा कंप्लीट, उसको हम लोग लगा दिए उसको और आप लोगों को दिखा रहे हैं किस तरह कौन सा लोकेशन है। इसको देखिए, ये सबसे पहले नीचे मेन पुली से होते हुए बेल्ट, ये देखिए बेल्ट मेन पुली में बैठा के होते हुए सीधा एसी पे जाएगा। ये एसी है, ये एसी के बाद सीधा वो अल्टरनेटर पे जाएगा ऊपर में, जो आप देख पा रहे हैं अल्टरनेटर से होते हुए सीधा एडजस्टिंग बैरिंग पे। आप लोग ने देखा टिरानो का बेल्ट खुल गया था, वो हम लोग फिटिंग कर दिए हैं। तो इसे सिंपल प्रोसेस है, आप लोग कभी अगर हो सके तो आप आराम से इसे फिटिंग कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।